हवेली की सामरवाड़ी नहर में से एक युवा की लाश मिलने पर फैली सनसनी। संगदेश राधा नगर हवेली के सामरवर्णी गांव स्थित वड़फड़िया नहर में से एक युवा की लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। सामरवर्णी गांव के वड़फड़िया में से नहर पर पिचिंग बनाने के लिए कार्य चल रहा था, जहां गांव के लोगों ने एक लाश को फंसी हुई देखकर पुलिस को जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही सिलवासा स्टेशन इंचार्ज दिवस सबास्टिन, क्राइम ब्रांच इंचार्ज पीआई केबी महाजन, रखोली पीएसआई छाया टंडिल सहित उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही डिजास्टर विभाग के अधिकारी मोहन भाई थॉमस एवं फायर विभाग की टीम भी पहुंची। पुलिस द्वारा आसपास खोजबीन करने पर पता चला कि यह युवा 22 वर्षीय दीपक कुमार हेमेंद्र कुमार राय वर्तमान निवासी बेंसा के पास मसाट, मूल निवासी समस्तीपुर बिहार, जो यहां डैनियल वेयरपर कंपनी में काम करता था, जो 4 दिन से घर से गायब था। फायर विभाग की टीम नहर में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण अंदर उतरी नहीं, जिससे नहर विभाग के अधिकारी को फोन कर पानी बंद कराने के बाद पानी में उतरकर पिलर में फंसी लाश को निकाला गया। यह लाश 3 दिन पुरानी होने से काफी काली हो गई थी। इस लाश का कब्जा कर पोस्टमार्टम के लिए सिलवासा विनोबा भावे सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बारे में आगे की जांच सिलवासा पुलिस कर रही है।